सिंगरौली में लोगों ने नगर निगम के उप कार्यालय में ताला जड़ दिया और कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मामला बिगड़ता देख नगर निगम आयुक्त सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। मोरवा में बीते दिनों नगर निगम के सामुदायिक भवनों से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब निगम अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया तो क्षेत्र की जनता आक्रोशित हो गई और भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रवीण तिवारी, पार्षद परमेश्वर पटेल सहित सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नगर निगम उप कार्यालय मोरवा में ताला जड़ धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि षड्यंत्र रचकर सामुदायिक भवनों को निजी हाथों में सौंप दिया गया है, जहां निजी ठेकेदार और समितियां 25 से 50,000 तक की वसूली कर रहे हैं। गौरतलब है कि शासन ने सामुदायिक भवनों का निर्माण आम जनमानस को राहत देने के लिए मांगलिक कार्यक्रम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। वहीं मामला बिगड़ता देख नगर निगम आयुक्त पवन सिंह, अध्यक्ष देवेश पांडे समेत निगम के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी। आयुक्त ने लोगों को आश्वासन दिया कि नगर निगम परिषद की अगली बैठक में प्रस्ताव लाकर इस व्यवस्था को निरस्त कर दिया जाएगा। अभी जो भी उन्होंने बताया, जैसे सामुदायिक भवन के किराए का मामला है, उसको माननीय अध्यक्ष जी भी साथ में है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि परिषद की बैठक में रखकर उस पर विचार करें, पुनर्विचार करके उसको युक्तिकरण करें। और जो छोटी छोटी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, पार्क न हो, लाइट नहीं जल रही, सफाई नहीं हो रहा, उस पर संबंधितों को निर्देश दिया गया है और उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो उनके संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की। यहाँ का जो अपने सिंगरौली उप कार्यालय नगर निगम का यह आज ताला बंद लोगों ने, हमारे सम्मानित पार्षद जी ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवीण तिवारी जी ने नेतृत्व में आज आंदोलन हुआ, उसमें हम सभी लोग कमिश्नर हमारे नगर निगम सिंगरौली के लिए बात सम्मानित पार्षदों में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय प्रवीण तिवारी जी ने विस्तार से रखी। जो यहाँ पर जैसा बिजली के कर्मचारी ये विनोद पांडे जी की शिकायत आई, कमिश्नर से बात रखी, हम लोगों ने कहा कि भाई अगर जो काम नहीं करते हैं तो इनको चेतावनी दीजिए, कार्रवाई करिए सही लोगों का। जैसे अपने यहाँ इसका जो यंत्री है, तमाम इस तरह से देखा गया है कि यहाँ पर काम की कसावट नहीं है, डॉक्टर भी काम पर नहीं है और अवैध राज्य है। एक आदमी के पास पूरे 11 वार्ड का भार है, तो यहाँ पर और लोगों को, इन सब इंजीनियर को यहाँ पर लाए और तमाम जो रहवासी यहाँ के हैं उनको समुचित उसका लाभ मिल सके। फाइलें लोगों की नहीं हो पा रही है, पार्कों का और सामुदायिक भवन की बात थी जिसको लेकर के परिषद में यह कमिश्नर ने बताया है कि हम भेजेंगे प्रस्ताव और कमिश्नर ने उसके बारे में सम्मानित सभी पार्षदों के द्वारा बात रखी जाएगी और उसमें पुनर्विचार किया जाएगा। हमने 10 तारीख को एक पत्र दिया था जिसमें ये कहा गया था कि समुदायिक भवन और जो छोटे छोटे मैदान हैं पूरे नगर निगम क्षेत्र में, उनका किराया 5 मिनट से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उस बाबत उसको पूर्वक करने के लिए हमने एक पत्र दिया था कि अगर 15 तारीख तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम धरने पर बैठेंगे। विषय ये है कि शासन की मंशा समुदायिक भवन बनाने के पीछे क्या होती है। कोई भी शासन, कोई भी सरकार सामुदायिक भवन इसलिए बनाती है कि गरीब तबके को, मध्यम वर्गीय परिवार को आसान दरों पे भवन उपलब्ध हो, और कुछ महीनों से इन सामुदायिक भवनों को व्यापार का केंद्र लोग बना लिए। इसके लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम आम जन के साथ जुड़े रहते हैं और लोगों की आवाज़ थी कि ये इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, हम लोग ने ये निर्णय किया कि हम धरने पे बैठेंगे और आज हम लोग करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।